आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वार्ड क्रमांक 8 में पार्षद प्रत्याशी पंडित आदित्य दुबे के वार्ड विकास के विजन से आकर्षित हो रहे मतदाता। वार्ड क्रमांक 8 इटावा क्षेत्र में पार्षद पद के प्रत्याशी पंडित आदित्य दुबे लगातार सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और समय समय पर विविध धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भागीदारी करते हुए अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पर्यावरण हित में भी वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब से उन्होंने वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा किया है, तब से वे लगातार वार्ड के प्रत्येक मतदाता से संपर्क का प्रयास करते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं। पंडित दुबे की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह जन चर्चा चल रही है कि दुबे जरूर इस बार परिवर्तन लाएंगे। पंडित दुबे लगातार वार्ड के प्रत्येक बिंदु पर अपनी बात रखते हुए विकास का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड का भ्रमण करने और नागरिकों से चर्चा के दौरान उनके संज्ञात में जो बातें आई जिनका निराकरण होना चाहिए, वे सब उन्होंने बिंदुवार तैयार कर ली हैं। वार्ड के वासियों के लिए वे पहले भी संघर्ष करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे, चाहे उन्हें वार्डवासी नेतृत्व का मौका दें या ना दें। पंडित दुबे का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उनके साथ है और मतदान के बाद परिणाम में यह स्पष्ट भी हो जाएगा। भैया आप